इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर कम बजट में जेमोपाई ने अपनी राइडर सुपरमैक्स को भारतीय बाजार में उतारा है और ये स्कूटर जो है वो कॉम्पीट करने वाला है हीरो ऑप्टिमा जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में। तो इस वीडियो में हम दोनों ही स्कूटर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे कौन सा स्कूटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं NBT लाइव। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंपेयर करते हैं जेमोपाई राइडर सुपर मैक्स को हीरो ऑप्टिमा CX के साथ में। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं डिज़ाइन स्टाइल के साथ में। हालांकि डिज़ाइन स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन से स्कूटर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। दोनों ही स्कूटर डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि दोनों के अंदर ही आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, दोनों के अंदर आपको बेसिक टायर्स एंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्कूटर्स के अंदर। आपको फ्रंट में और रियर में सस्पेंशन सेटअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको मिल जाएगा फ्रंट के अंदर और रियर के अंदर आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्सॉर्बर मिल जाते हैं। डिफरेंसेस जो बेसिक आपको मिलेगा वो मिलेगा बैटरी और रेंज के अंदर। तो पहले बात करते हैं जेमोपाई राइडर सुपरमैक्स की। तो जेमोपाई राइडर सुपरमैक्स के अंदर आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी जो कि कंपनी दावा कर रही है, और स्पीड की अगर बात करूं तो 60 किलोमीटर पर आर तक की मैक्सिमम स्पीड जो है ये स्कूटर अचीव कर सकता है। और ये स्कूटर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड व्हीकल कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें करानी होंगी। जेमोपाई राइडर सुपरमैक्स के अंदर आपको डिटैचेबल बैटरी मिल जाती है, जहां पर 1.8 किलोवाट आर का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको मिलेगा। और अच्छी चीज़ यह है कि ये पोर्टेबल बैटरी है, तो आप इसको स्कूटर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं और स्कूटर से बाहर निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं। स्कूटर के चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 से 6 घंटे का समय ये स्कूटर लेता है फुल चार्ज होने में। और इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो 80,000 रुपये की एक्सशोरूम कीमत के साथ में जेमोपाई ने राइडर सुपरमैक्स को भारतीय बाज़ार में उतारा है। वहीं पर इसके राइवल हीरो ऑप्टिमा CX की अगर मैं बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 2 बैटरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसको सिंगल बैटरी के साथ में परचेज़ करना चाहें तो सिंगल बैटरी के साथ में भी परचेज़ कर सकते हैं, और आप इसको डुअल बैटरी सेटअप के साथ में परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां पर रेंज का डिफरेंस आपको बेसिक मिलेगा। अगर आप सिंगल बैटरी के साथ में इस स्कूटर को परचेज़ करते हैं तो लगभग 80 से 85 किलोमीटर की रेंज ये स्कूटर आपको ऑफर करेगा। वहीं पर अगर आप इसको डुअल बैटरी के साथ में परचेज करते हैं तो लगभग 144 किलोमीटर तक की रेंज इस स्कूटर से आपको मिल सकती है, जो कि राइडर सुपरमैक्स से अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है डुअल बैटरी होने की वजह से। वहीं पर कीमत की अगर बात की जाए तो लगभग 71,000 रुपीज़ एक्सशोरूम कीमत के साथ में आपको ये स्कूटर मिलता है सिंगल बैटरी के साथ में, और अगर आप डुअल बैटरी के साथ लेते हैं तो लगभग 90,000 रुपीज़ एक्सशोरूम कीमत के साथ में आपको ये स्कूटर भारतीय बाजार में मिलता है। चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा, 5 से 6 घंटे के अंदर ये स्कूटर भी फुल चार्ज हो जाता है। स्पीड हालांकि आपको थोड़ी सी कम देता है, 42 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड आपको हीरो ऑप्टिमा के अंदर मिलेगी, लेकिन ये स्कूटर भी रजिस्टर्ड व्हीकल कैटेगरी के अंदर ही आता है। बात करें कौन सा स्कूटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो हीरो ऑप्टिमा अगर आप देखते हो तो हीरो का बड़ा नेटवर्क है भारतीय बाजार के अंदर और काफ़ी ज़्यादा डीलरशिप्स और सर्विस नेटवर्क आपको मिल जाएगा हीरो का जेमोपाई के कंपैरिजन में। जेमोपाई कुछ एक शहरों के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर जेमोपाई अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं पर रेंज अगर आप देखते हो तो उसके मामले में भी हीरो ऑप्टिमा के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कम रेंज वाला स्कूटर चाहिए तो आप इसको सिंगल बैटरी के साथ में परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप इसको डुअल बैटरी के साथ में परचेज कर सकते हैं। लेकिन राइडर के अंदर भी आपको एक अच्छी चीज़ ये मिलती है कि यहाँ पर आपको पोर्टेबल बैटरी मिल जाती है, यानी कि डिटैचेबल बैटरी है, तो आप बाहर निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों ही स्कूटर के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और दोनों ही स्कूटर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको कौन सा स्कूटर पसंद आया आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।